नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए एक बेहद खास मेहमान लेकर आए हैं, रंजनी रामचंद्रन जी को। देश की जानी मानी ख्याल गायिका हैं और अलग अलग घरानों में तालीम ली है, साथ ही कई बड़े दिग्गज कलाकारों से सीखने का सौभाग्य मिला है। कैसा रहा है पूरा इनका संगीत सफर, ये सब कुछ जानेंगे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले रंजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार और धन्यवाद हमको आमंत्रित करने के लिए। तो शुरुआत करें, और जैसा मैंने कहा कि आपके पूरे संगीत सफर पर बातचीत तो जरूर करेंगे, लेकिन पहला प्रश्न जो बहुत स्वाभाविक सा प्रश्न है कि ये सफर शुरू कैसे हुआ था, क्या कुछ कहानी है इस सफर के शुरुआत की? जी वैसे मैं तो तमिलियन हूँ। मेरा जन्म चेन्नई में हुआ था पर मेरी परवरिश पूरी उत्तर भारत में हुई है। मैं कानपुर से हूँ एक्चुअली, और मेरे पिताजी वहाँ पर आईआईटी कानपुर में फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं, और माँ भी विजया रामचंद्रन जी, पिताजी का नाम है डॉक्टर आर रामचंद्रन और माँ विजया रामचंद्रन जी, उनसे मैंने पहले सबसे पहले प्रारंभिक जो संगीत की शिक्षा है वहीं से शुरू हुई, क्योंकि मेरी माँ ने कर्नाटक संगीत भी सीखा है और हिंदुस्तानी संगीत भी सीखा है, और उनके गुरु थे पंडित शंकर श्रीपाद बोडस जी ग्वालियर घराने के, और वो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के डायरेक्ट डिसाइपल हैं, शिष्य हैं। और उनका असल में कानपुर जैसे शहर में शास्त्रीय संगीत के प्रति जो एक उसका प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान रहा है वो पूरे परिवार का ही रहा है। और उसके पश्चात माँ ने पंडित काशीनाथ शंकर बोडस जी से भी सीखा था, तो इस तरह घर में माँ एक्चुअली एक स्टेज परफॉर्मर तो नहीं रही हैं पर बहुत साल माँ ने सिखाया है, और घर में ही वहाँ पर आईआईटी में ही एक शंकर संगीत विद्यालय का एक ब्रांच था जो कि वीणा सहस्रबुद्धे जी, वो भी वहीं पर आईआईटी कानपुर में रहती थी, तो उन्होंने शुरू किया था। तो उसके ही तहत माँ ने घर में क्लासेस लेना शुरू किया, तो बहुत ही बचपन से संगीत की ओर रुझान बढ़ा और स्पेशली हिंदुस्तानी संगीत की ओर, और इसीलिए माँ से ही शुरू हुई मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा माँ से शुरू हुई। बिल्कुल। और और मुझे लगता है कि ये प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि कई बार आपके जन्म की जो भौगोलिक स्थितियां होती हैं वो भी बहुत सारे चीज़ों की वजह बनती हैं। मसलन, मैं मूलतः बनारस से हूँ, लेकिन मेरी शिक्षा, मेरा जन्म सब कुछ इलाहाबाद में है। कानपुर बहुत आना जाना रहा है मेरा, और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि कानपुर में उस तरह का सांस्कृतिक माहौल नहीं है। बहुत कुछ अगर कार्यक्रम होते भी हैं, मतलब मुझे याद है आईआईटी में तो हम लोग भी अंताक्षरी में एक आध बार पार्टिसिपेट करने चले गए थे। तो क्या ये वजह थी कि माँ ने स्टेज पर जाकर कार्यक्रम करने की बजाय सिखाना पसंद किया, क्योंकि उस तरह की अपॉर्चुनिटीज ही नहीं थी? लखनऊ में फिर भी थोड़े बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बनारस में बहुत होता है, इलाहाबाद तो चूंकि प्रयाग संगीत समिति है, फिर हिंदुस्तानी एकेडमी है, बहुत कुछ है इलाहाबाद में भी, लेकिन कानपुर उस हिसाब से उतना समृद्ध समृद्ध जगह नहीं रही कभी भी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिहाज से। क्या ये वजह थी कि माँ ने घर पे ही सिखाने का काम चुना? मतलब माँ का ऐसा था कि उनको स्टेज परफॉर्मर बनने का वो इट वाज नॉट हर एस्पिरेशन मतलब, और मेरी माँ एक बहुत सालों से एक समाज सेविका भी रही हैं, बहुत जुड़ी हुई हैं शिक्षा के क्षेत्र के साथ, तो उनका वो काम भी बहुत समय से चला आ रहा है, तो इसीलिए संगीत को उनको मतलब सिखाना पसंद था, और उनके गुरु मतलब शंकर श्रीपाद बोडस जी ने भी उनको प्रोत्साहन दिया, इसीलिए उनका ऐसे शुरू हुआ, तो वो एस्पिरेशन उन्होंने कभी ऐसे बताया नहीं, पर ये ज़रूर है कि हमारे अंदर मतलब वो रुचि जो पैदा करने में उनका बड़ा योगदान है, माँ और पिताजी दोनों का ही। तो और बचपन में हमने भरतनाट्यम भी सीखा था, तो 4 साल की उम्र में, जैसे कि बहुत बोला जाता है हर एक सदर्न इंडियन जो बच्चे होते हैं ये सब सीखते हैं, पर ऐसी नहीं थी, हमको मन था इसीलिए हमने सीखा, पर somehow फिर बाद में जाकर कैरियर के हिसाब से जब चुनना हुआ या और भी जो जिसमें और रुचि थी वो हिंदुस्तानी संगीत ही चुना उसने हमने
रंजनी और जी, लगभग एक 12 साल की उम्र में हमने फिर माँ के गुरु जो थे काशीनाथ शंकर बोडस जी, उनसे सीखना शुरू किया, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ को ही लगा कि हमारे अंदर एक टैलेंट भी है और बहुत रुचि भी है अपने आप से एक रियाज करना, वो भी हम खुद बहुत बचपन से करते थे। तो इसको देखकर माँ को लगा कि एक और भी एक उनके गुरुजी के पास वो इसीलिए ले गई, तो इसीलिए वो सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। और उसके बाद ये सिलसिला और भी कई दिग्गज गुरुओं के पास पहुंचा, जहां आपको उनसे आशीर्वाद मिला, उनका स्नेह मिला। वो सफर भी थोड़ा बताएं, क्योंकि ये रागगिरी के जी जो इंटरव्यू सीरीज है, इसमें हम कलाकार के साथ साथ उनके गुरुओं पर भी बातचीत करते रहते हैं। बिल्कुल। तो 12-13 साल की उम्र के करीब हमने काशीनाथ जी से सीखना शुरू किया कानपुर में ही। तो तब तो स्कूल में थे और एक 4-5 साल सीखा होगा, तब उसके तहत बहुत ही उनका भी एक मतलब जिस तरह का स्वभाव था, सरल स्वभाव, उसी की तरह उनका गाना मतलब सुनने में सरल लगता था। वो गाने जाएं तो सरल नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी बात हमको, तात्या तात्या उनको बोलते थे हम लोग, संबोधित करते थे, तो ये हमको बहुत लगी उनमें। और जब बात आई कॉलेज की, तो मैं पूना में, पुणे फर्ग्यूसन कॉलेज में, हम एक्चुअली बीएससी के लिए फिजिक्स में हमने किया था। तो जब कॉलेज जाना हुआ तो तात्या ने ही रेकमेंड किया कि अभी तुम पूना ही जा रही हो, तो वहाँ पर उनकी बहन, उनकी छोटी बहन विदुषी वीणा सहस्रबुद्धे जी, उनसे सीखे, क्योंकि वीणा तो तब पहले कानपुर में थी, 84 तक थी, फिर बाद में लेट 80s में वो पूना चली गई थी। तो इस तरह मेरा वीणा ताई के साथ जो एक सिलसिला शुरू हुआ वो काफ़ी लंबा रहा, मतलब करीबन 7-8 साल हम पूना में थे। पहले ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद वीणा ताई ने हमको एक दिन कहा, खुद से कहा कि अगर फुल टाइम गाना करना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ चूज करना होगा, साइंस या आर्ट्स। तो इसके लिए हमने एक्चुअली एक एक साल ब्रेक भी लिया था, मतलब बीएससी के बाद, और उनके साथ बहुत सारे जगहों में सहवास, मतलब उनके साथ कार्यक्रमों में स्वर साथ दिया, और ये सब एक अपने में एक बहुत बड़ा अनुभव था मेरे लिए। बिकॉज तालीम एक चीज़ होती है, आप गुरु से सीखते हैं वो गाने की तालीम होती है, पर आई थिंक म्यूजिक मेकिंग में इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं, मतलब बस कलाकार बनने के लिए नहीं, एक एक प्रोसेस, उस प्रोसेस को समझना और इतने करीबी से एक आर्टिस्ट को मतलब देखना और उनके साथ स्वर साथ करने का मौका, अलग अलग देश के अलग अलग जगहों में उनके साथ ट्रैवल करना, तो ये एक बहुत ही अच्छा मेरा एक अनुभव रहा। और उसके पश्चात हमने वहाँ पर जो सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स है पूना में, तो वहाँ से हमने मास्टर्स भी किया। उस दौरान वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कॉलरशिप मिलती है, यंग आर्टिस्ट स्कॉलरशिप, तो वो भी मिली थी, और साथ ही साथ तालीम तो जारी थी वीणा ताई के पास। तो और उल्लास कसालकर जी, और उसके अलावा गिरिजा जी, ये जी भी लोग जुड़े रहे अपरोक्ष परोक्ष तौर पर आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से एक्चुअली। तो हमारा एक्चुअली, हमको ट्रैवलिंग म्यूजिशियन ही बोलना चाहिए, इतने जगह हम ट्रैवल कर चुके, तो हमको ही खुद को कभी कोई पूछता है तो कहाँ से हो, तो हमको 2 मिनट लग जाता है बोलने के लिए, क्योंकि हैं तमिलियन पर थे कानपुर में, उसके बाद पुणे गए, और ये 2001 की बात है, तो अर्ली 2000s, जब हमने वीणा ताई से ही पूछ बोला कि हमको उल्लास जी से सीखने की इच्छा है। तो देखिए उनका भी बहुत बड़प्पन है, ये बहुत होता है, गुरु कभी भी इतना आसानी से मतलब अनुमति नहीं देता है, पर आई थिंक दोनों ही म्यूजिशियंस को एक दूसरे के लिए इतना रिस्पेक्ट था, तो इसके कारण भी हमें लगता है कि उन्होंने बोला ठीक है। तो हम गए SRA, संगीत रिसर्च एकेडमी, और वहाँ पर ऑडिशन दिया, और ऑडिशन हमको आज भी याद है, उसमें दीपाली नाग जी बैठी थी, पूर्णिमा सेन जी थी और गिरिजा देवी जी भी थी उसमें, मतलब कौन नहीं था ऐसे। तो उनके सामने एक 15 या 20 मिनट का मुल्तानी हमको अभी भी याद है गाया था, तो खैर अच्छा लगा होगा शायद, इसीलिए उन्होंने सेलेक्ट हुए हम एज अ रेजिडेंट स्कॉलर। तो आई थिंक SRA एक बहुत ही उम्दा एक आइडिया है, मतलब ऑलमोस्ट रिवोल्यूशनरी आइडिया इन 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 द वर्ल्ड ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, जो कि पंडित विजय किसलो जी ने शुरू किया था।
तो उसमें ऐसे ऑलरेडी जो काफ़ी हद तक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, युवा कलाकार हैं, उनको ही एक सेलेक्शन के बाद उनको एक एक को किसी ना किसी गुरु के अंडर गाइडेंस के लिए रखा जाता है। तो इसलिए हमको वहाँ सिलेक्शन के बाद मौका मिला पंडित उल्हास कशालकर जी से तालीम में पाने की। और वो पूरी मतलब कहा जाता है कि हिंदुस्तानी संगीत की दुनिया में कलाकार तो अच्छे हैं, पर उसी के साथ बहुत अच्छा गुरु होना ये एक बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। उसमें हमें लगता है गुरु जी का बहुत बड़ा योगदान भी है, और बहुत ही अच्छे गुरु, अच्छे मतलब सख्त पर बहुत अच्छे गुरु हैं वो। और इसीलिए हमको बाकायदा एकदम ग्वालियर और जयपुर घराने की तालीम उनसे प्राप्त हुई। और SRA का एक अलग ही माहौल था, मतलब उसका उसके बारे में बोलने जाएं तो बहुत कुछ और बातें आ जाएंगी। और गिरिजा जी, अप्पा जी के साथ अगेन गुरु जी ने ही बोला था, उस समय डायरेक्टर थे अमित मुखर्जी जी, तो उन्होंने कहा कि अब इतनी बड़ी एक शख्सियत वहाँ पर कैंपस में बैठे हैं, तो उनसे क्यों ना पूछा जाए कि कुछ स्कॉलर्स हैं उनको आप सिखाएंगे कि नहीं। तो उन्होंने बहुत रेडीली जब गुरुजी ने जाके बोला कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, ख्याल तो हमसे सीख रहे हैं पर आपसे ठुमरी दादरा कुछ आप अगर सिखाना पसंद करेंगी, तो उनसे पूछा, तो उन्होंने बहुत रेडीली मान लिया। और हम लोग को इसलिए एक 2 या 2.5 साल उनके साथ वहीं पर अगले घर में, मतलब SRA में हम लोग सब एक ही कैंपस में रहते थे, और गुरु भी वहीं पर और स्टूडेंट्स भी उसी कैंपस में रहते थे, तो उनसे भी तालीम लेने का अवसर मिला। अच्छा रंजनी जी, मैं वापस लौटूंगा वीणा जी पर, क्योंकि असमय निधन हो गया उनका। अगर आप देखें जिस तरह की, जिस मतलब कहते हैं ना कि जैसे जैसे कलाकार बुजुर्ग होता है, उसकी कला में और निखार आता जाता है, और वीणा जी जल्दी चली गई छोड़ के। लेकिन एक 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 गुरु के तौर पर, एक कलाकार के तौर पर, आप जब उनसे सीख रही थी, कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी कहानी जो उनकी शख्सियत को, उनकी पर्सनालिटी को समझने में हमें मदद करे। बहुत सारी मेमोरीज हैं उनके बारे में, तो क्योंकि बहुत बचपन से ही कानपुर में भी उनको जानते थे, उसके बाद बहुत करीबी से उनके शिष्य के रूप में पूना में रहा उनके साथ सहवास। तो एक बार उन्होंने, हमको याद है, पंडित काशीनाथ शंकर बोडस जी भी बहुत, उनका भी आकस्मिक मतलब वेरी सडन डेथ हुआ था, 1995 में हार्ट अटैक से वो गुजर गए थे। तो उनकी स्मृति में 1997 में उन्होंने एक कार्यक्रम किया था बम्बई में, और ये आयोजन किया था वीणा ताई ने ही और 2 शिष्यों, एक जयंती सहस्रबुद्धे और मैं। तो कार्यक्रम तो उन्होंने आयोजन किया और उन्होंने तैयारी भी की कि बोला कि ये तुम्हारा पहला बम्बई में कार्यक्रम है, अच्छा गाओ, ये सब बोला। पर कार्यक्रम के दिन मतलब वो एक गुरु का भी एक एक्सपेक्टेशन तो होता है, पर वो इतनी मतलब करीबी का एक क्या बोलते हैं उसे, एक एहसास होता है ना कि वो सुबह सुबह उठ के, हम उन्हीं के साथ रह रहे थे बम्बई में तब, उन्हीं के फ्लैट में, तब वो कुछ शीरा वीरा बना के मतलब हमको बोला ये खाओ अच्छे से और भी अच्छा गाना होगा। तो हमें मतलब ये जस्ट एन इंसिडेंट, बट इट वॉज वेरी टचिंग कि एक गुरु को मतलब अंदर टेंशन भी है और एक्सपेक्टेशन भी है और उत्सुकता भी है कि मेरी शिष्य गाने वाली है, शिष्या गाने वाली है, और उन्हीं के गुरु के स्मृति में। तो आई थिंक उस हिसाब से वो बहुत ही भावुक किस्म की थी। और एक और चीज हमको याद आता है कि वीणा ताई के साथ तालीम में मतलब उनका जो प्रोसेस था, वो मान लीजिए कोई कार्यक्रम की तैयारी कर रही है, एक हमें याद आ रहा है नेहरू सेंटर में एक कार्यक्रम हुआ था, प्रातःकालीन रागों का कार्यक्रम था, बड़े अनवट राग चुने थे उन्होंने, अहिरी ललित और शुद्ध वराली, इस तरह के राग जो आमतौर पे गाए नहीं जाते, तो उनको भी उसकी तालीम वैसे डायरेक्टली किसी से मिली नहीं थी, तो उन्होंने अलग अलग कॉम्पोजर्स के किताब से बंदिश को
मतलब स्टडी करना, उसको इंटरप्रेट करना, तो ये सब जो प्रोसेस है ये ऐसा नहीं है कि अपने अलग से किया, ये शिष्यों के सामने ही किया, हमें याद है क्योंकि हम उस प्रोग्राम में उनके साथ स्वर साथ देने के लिए थे, तो उन्होंने बोला था तुम भी बैठो, हम अभी तैयारी कर रहे हैं, मेरे साथ तुम भी तैयारी करो। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा क्वालिटी है, इट्स एन ए वेरी ओपन एंडेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ऐसा कोई हायरार्की नहीं दिखाया कि भाई देखो हम गुरु हैं, हम सब जानते हैं, नहीं, हम भी देख रहे हैं, हम भी परख रहे हैं, तुम भी बैठो इस प्रोसेस में सहभागी हो। तो हमको ये चीज़ बहुत याद भी आती है और इंस्पायर भी करती है, तो क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कंपोजर्स कंटेम्प्रेरी जो पारंपरिक रचना है वो तो गाते ही हैं, और उसके अलावा बहुत सारे रागों में कंटेम्प्रेरी कंपोजर्स जैसे पंडित बलवंत राय भट्ट बनारस के हैं, और पंडित रामाश्रय झा जी इलाहाबाद के, और पंडित वसंत ठकार ये पलुस्कर परंपरा के थे, तो इन सब लोगों के बंदिशें बहुत ही सुंदर हैं, उसको उसको नोटेशन से उसको एक गायकी देना, उसको इंटरप्रेट करना और उसको प्रेजेंट करना, ये हमने बहुत उनका ये सिलसिला देखा है और उससे बहुत इंस्पिरेशन मिला है, वो हम भी अभी हम अपने आप को भी देखते हैं कभी कभी, खुद भी हम वो प्रोसेस एडॉप्ट करते हैं। और अगर इस कड़ी में हम गिरजा जी का भी नाम शामिल कर लें, अप्पा जी की तो सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जो भी उनके पास कुछ समय रह गया, फिर वो वाकई मतलब ऐसा लगता था कि वो दीवाना हो जाता था उनका, उनकी शख्सियत का, उनकी मतलब उनकी गायकी के अलावा उनकी पर्सनालिटी का। कभी भी कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं हुआ जब उन्होंने नहाए बिना किया हो। स्टेज पर वो आखिरी समय तक कभी किसी का हाथ उन्होंने नहीं पकड़ा, वो खुद से उनका चल के जाना। उनका तो डिसिप्लिन कमाल का था, उनकी गायकी कमाल की थी, और साथ ही साथ किसी अनजान से अनजान व्यक्ति को अपना लेना बहुत कमाल का था। तो आप तो बिल्कुल, कानपुर और बनारस अगल बगल की बात है, आपसे कैसे रिश्ते रहे उनके? नहीं हमारा तो उनका यही वही एसआरए में ही था, हम उनसे एसआरए में कलकत्ते में ही मिले थे, तो वो तो मतलब हम लोग को लगता था इतनी लेजेंडरी कलाकार हैं, उनसे हम लोग क्या सीखेंगे, पर आई थिंक वो उनका बड़प्पन था कि हम लोग को उन्होंने इतनी बंदिशें मतलब ठुमरी हो दादरा हो बहुत सारे कॉम्पोजिशंस सिखाई, एक बार एसआरए में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी करवाया बस ठुमरी दादरा का, उन्होंने पूरा उसका नियोजन किया था, उसका पूरा क्यूरेशन उन्होंने किया था, मतलब कौन क्या क्या गाएगा उसका रिहर्सल, और रिहर्सल के बाद रोज रोज हम लोग को अच्छा लगता था क्योंकि रोज कुछ ना कुछ मिठाई तो होगा या समोसा होगा, तो मतलब एक क्या कहें, और उनका गाना मतलब हम लोग तो बोलते थे आप जैसा तो हम लोग कभी नहीं गाएंगे, तो उन्होंने बोला हमारे जैसा गाने की जरूरत नहीं है, जो हम बात बता रहे हैं उसका एक जो एक विषय है उसको समझो फिर अपनी आवाज में गाओ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, हमारे सारे गुरुओं ने बोला है कि कभी भी आवाज को इमिटेट नहीं करना, उसमें खुद की आवाज ही खराब हो जाती है अगर आप किसी और के आवाज का इमिटेशन करेंगे, तो ये एक सीख सभी गुरुओं से मिली है, और बहुत उनका एफेक्शनेट नेचर था आखिरी तक। बिल्कुल, और बहुत स्नेह रहा गिरजा जी का हमारे प्रति, हमारी संस्था के प्रति बहुत व्यक्तिगत तौर पे बहुत स्नेह करती थी। मतलब जब भी मुलाकात हुई, जब भी हम लोगों को कुछ भी मिला, तो मतलब एक बार तो उन्होंने कहा कि तुम जो काम कर रहे हो इसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं। तो मैंने उनको तब हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम करते थे, ओल्ड एज होम में, कैंसर सेंटर पे, अरे और वाह, फिजिकली एबल्ड बच्चों के बीच में म्यूजिक को कैसे उनको हीलिंग टच देने के लिए। तो हमसे पूछने लगी कि कैसे करते हो, तो हमने कहा अप्पा जी सब आपके आशीर्वाद से हो जाता है, जो थोड़ा बहुत यहाँ वहां से मैनेज होता है। कहेंगे तुम हमसे एक ब्लैंक चेक ले लो। मुझे इतना ताज्जुब हुआ, जबकि ऐसा नहीं कि कोई मतलब मुझे बचपन से जानती हो या कुछ नहीं, बस एक संबंध ये था कि हाँ बनारस, एक संबंध था कि हाँ बनारस के हैं, प्लस राजन साजन जी से बहुत पारिवारिक संबंध थे तो वो उनको पता थे। लेकिन किसी कलाकार का ये कह देना कि तुम्हारा एक ब्लैंक चेक मेरे पास रखा हुआ है, मुझको आज भी लगता है इतनी बड़ी बात थी वो, कि बहुत कम सहज लोग ऐसे होते हैं। खैर, हम इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं और फिर हम बात करते हैं, जैसा हमने शुरुआत में कहा आपकी परिचय में, कि अलग-अलग घराने की गायकी सीखी है। क्या इसका श्रेय
उल्हास कशालकर जी को जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ग्वालियर, फिर जयपुर अतरौली और उसके अलावा आगरा, ये तीन घराने तो बहुत ही सशक्त अंदाज में उनकी गायकी में दिखाई देते हैं। क्या यही वजह थी कि आपने भी अलग-अलग घरानों की जो बारीकियां हैं उनको समझा सीखा? घराने के विषय में हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि ये घराने का जो नोशन है कि भाई आपने अगर कुछ सीखा तो बिल्कुल आइडेंटिकल आपके गुरु की तरह ही गाना है। आप कोई भी घराना देख लें, ग्वालियर, चलिए ग्वालियर देख लें, उसके तहत बहुत सारे ब्रांचेस मिल जाते हैं। तो मतलब जिसको हम स्टाइलिस्टिक डाइवर्सिटी जो बोलते हैं कि एक ही घराने के अंदर कत आपको बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स मिलेंगे। तो मेरे सारे ही गुरु में सभी ग्वालियर घराने के हैं एक्चुअली, पर गायकी सबकी अलग है। काशीनाथ जी की बात अगर होगी तो उन्होंने अपने पिताजी से तो सीखा ही, जो विष्णु दिगंबर परंपरा के है, पर उनका पंडित कुमार गंधर्व जी की गायकी का उन पर बहुत असर था और उन्हें बहुत इच्छा भी थी उनसे जाके सीखने की। उन्होंने जाके देवास में, उनके निवास स्थान में जाके थोड़ा समय बिताया भी था कुमार जी के साथ। तो इस कारण उनके गाने में कुछ कुछ मतलब वैसे एलिमेंट्स उन्होंने इनकलकेट किए थे, जिसके कारण उनकी एक गायकी एक अलग है। वीणा ताई ने थोड़ा सा और अपने तरफ से बदल किया, उसमें कुछ किराना घराना का इन्फ्लुएंस, थोड़ा एलिमेंट्स लाया। जो ग्वालियर की लय जो है वो अक्सर बोली जाती है कि मध्य लय है, वो बहुत ज्यादा विलंबित लय नहीं। तो वीणा ताई ने अपने विलंबित ख्याल को थोड़ा सा और विलंबित किया, मतलब जो है उसका लय थोड़ा धीमा किया। और तो इस तरह के छोटे छोटे चेंजेस, एस्थेटिकली चेंजेस, हर एक व्यक्ति ने अपने घराने के मतलब क्या बोलते हैं बाउंड्री को रखते हुए कुछ कुछ चेंजेस किए हैं। और जहाँ तक गुरुजी की बात आती है उल्लास जी की, उनके गुरु पंडित गजानन बुआ जोशी, उन्होंने तीन घराने के अलग अलग उस्तादों से और गुरुओं से उन्होंने तालीम ली थी, और इसीलिए उस परंपरा से गुरुजी के गाने में भी इस तीन घरानों का सामंजस्य मिलता है। पर उन्होंने मेनली ऐसा भी, उनके तालीम देते समय मेनली ग्वालियर और हमको जयपुर और ग्वालियर पर ही कंसंट्रेट किया। तो ऐसा भी है कि वो शिष्य को देखकर भी, उनके आवाज धर्म को देखकर किस तरह का एक तालीम देना चाहिए, ये एक कॉन्शियसनेस भी गुरुजी में बहुत है। तो इसीलिए शायद गुरुजी के गाने में मतलब घराना भले ही उन्होंने अलग अलग सीखा हो, पर उन्होंने जो किया है अपना अपना एक रसायन तैयार किया है, वो बहुत जरूरी। तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द नोशन ऑफ घराना। हमको लगता है घराना मतलब सीमित होना नहीं, घराना मतलब अपने आप को एक्सपैंड करना। और इसीलिए गुरुजी का कहना ये भी है कि किसी एक घराने में आपको अच्छी तालीम लेनी चाहिए, उसके बाद आप अपना खुद एक अपना एक्सप्रेशन एक्सप्लोर करना वो बहुत जरूरी भी है, कि आप बस कॉपी ना करते हुए एक्सप्लोर करना अपना, अपनी जो पर्सनालिटी उसके हिसाब से अपनी गायकी को डेवलप करना। तो ये चीजों पर उन्होंने काफी स्ट्रेस दिया है। बिल्कुल। और पंडित कुमार गंधर्व भी बहुत डंके की चोट पे ये बात कहते थे, जबकि विधिवत तालीम ली थी हर तरह से संस्कारों के तहत, लेकिन साफ साफ कहते थे कि मैं घरानों की कुलीगिरी नहीं करता, मेरा काम घरानों की गिरी करना नहीं है। तो ये बहुत ही सकारात्मक एक तरीके की सोच है। रंजनी जी के साथ इस बातचीत में यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं। इस हिस्से में हमने बात की उनके तमाम गुरुओं की, उन गुरुओं के साथ उनके जो संस्मरण थे उन्होंने उसे याद किया, और कई अनकही कहानियां सुनने को भी हमको मिली। इस इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि सीखना अलग है, लेकिन प्रोफेशनल तौर पर उस कला को अपनाना एक अलग ही फैसला होता है। कैसे रंजनी जी ने यह फैसला किया, ये पूरी कहानी इस इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में कल रात ठीक 10 बजे जरूर देखिएगा।